हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, बदलाव है CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, क्योंकि इस बार बड़े लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें बार बार बदलाव होने की संभावना है और वैसे हुआ। तो CUET ने यानी NTA द्वारा CUET फॉर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों, जो मार्किंग सिस्टम है और उसमें जो नंबर वाला सिस्टम, उसमें भी कई बदलाव किए गए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, कौन से 3 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं CUET फॉर्म में। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अब आपको फॉर्म इस तरह से फिल करना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया दोस्तों CUET फॉर्म में, वो बदलाव किया गया है 10th की मार्कशीट को लेकर। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आपके जो 10th की मार्कशीट को अपलोड करना था आपको PDF फाइल में, वो अब कंपलसरी नहीं है। इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर अभी आप फॉर्म नहीं भरे और फॉर्म भरने वाले हैं CUET के लिए, तो अब आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन वहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब केवल आप अपना फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करेंगे, 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर, हमने तो अपना फॉर्म भर लिया और हमने मार्कशीट को अपलोड कर दिया है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी फॉर्म सही रहेगा। बट अब जो भरने वाले जो छात्र छात्राएं, तो अब उन्हें ध्यान रखना है कि मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें, दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो है मार्किंग सिस्टम को लेकर। आप सभी को पता है कि कभी कभी जब एग्जाम होते हैं तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो वेरी नहीं करते, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में उस क्वेश्चन के सभी को 5 नंबर दे दिए जाते थे CUET के लिए, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, जो 5 नंबर पहले मिलते थे, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, चाहे आपने अटेम्प्ट किया है तो चाहे जितने अटेम्प्ट किया हो उसको मिलते थे 5 नंबर, जितने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी मिलते थे 5 नंबर, अगर वो क्वेश्चन NTA ने अपनी तरफ से हटा दिया, क्वेश्चन गलत है। बट अब वो 5 नंबर उसे ही मिलेगा जिन छात्रों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। जी हाँ, मान लेते हैं कि क्वेश्चन 3 जो है गलत है। अब क्वेश्चन 3 गलत था तो अब जिसने जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था उसको भी 3 नंबर 5 नंबर मिलता था, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था उसको भी 5 नंबर दिया जाता था। अब अगर क्वेश्चन कोई गलत होगा जिसे NTA द्वारा हटाया जाएगा, तो ऐसे में उस हटाए हुए क्वेश्चन को उसे ही नंबर मिलेगा जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, चाहे गलत ही अटेम्प्ट किया, चाहे कुछ भी किया हो, बस अटेम्प्ट किया होना चाहिए तभी आपको उसे 5 नंबर मिलेंगे। अन्यथा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और क्वेश्चन हटा दिया जाएगा तो भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये एक चीज है। तो आप सभी लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो आपको टिक लगा कर आना है। अगर वो क्वेश्चन हटा दिया जाता है तो ऐसे में उस क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से एक छोटा सा और बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि आप जैसे क्या होता था ना कि आपने आप एग्जाम के सेंटर में गए बैठे हो और आप अपना क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो, किसी और भाषा में नहीं देख पा रहे हो। अगर आपने हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया, बट आप जो आप कंप्यूटर पर जाओगे तो वहां पर हिंदी गलती से आपने अंग्रेजी का टेस्ट कर दिया, तो ऐसे में आप अपनी भाषा बदल नहीं सकते, बट आपको भाषा बदलने का भी ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा। तो ये कुछ अपडेट आए हैं CUET के फॉर्म में जो आपको बताना बेहद जरूरी था। हालांकि लेट हूँ दोस्तों, क्योंकि बिजी था मैं, क्लासेस लगातार चल रही थी, ऐसे में भी अपडेट नहीं दे पाया, बट अभी ये फाइनल अपडेट मैंने आपको दे दिया। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये सारी चीज आपको करनी है और पेपर को सही तरीके से तैयार करना है। और साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट है तो हमारे चैनल पर 20 तारीख से पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के डोमेन सब्जेक्ट के जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को। और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।